आई एम बैक अगेन टुडे विद अनदर वीडियो. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैगी बनाने की रेसिपी. हम सबकी फेवरेट है. तो आज की मैगी यूजुअली बनती है 2 मिनट में, लेकिन हम इसे थोड़ा सा वेजेस के साथ मिक्स करके बनाएंगे हेल्दी वर्जन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो अभी हमने यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पैकेट मैगी, फुल होल मैगी विद मैगी मसाला. तो ये नॉर्मल मसाला मैगी है. और सबसे पहले हम इसको एक पैन में बॉईल करेंगे. पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि हम वाटर जो है वो रिमूव कर सके बाद में. सो गाइस, पानी गर्म हो चुका है. अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि सॉल्ट का टेस्ट इसमें भी आ जाए नूडल्स में, मैगी नूडल्स में. और अब हम इनको बॉईल करने के लिए रखेंगे. साथ ही में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये स्टिक ना करें. और इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा अनकुक्ड इनको रखना है. तो जब तक ये बॉईल हो रहे हैं तब तक हम शुरू करते हैं तड़का. तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 चम्मच के करीब. ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें. और जैसे ये ऑयल अच्छे से गर्म होगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस. सो गाइस, नूडल्स जो हैं अब बॉईल हो चुके हैं. मुझे इनको प्रॉपरली नहीं पकाना है, थोड़ा सा 80-90% कुक्ड होने चाहिए. तो अब मैंने गैस बंद कर दी है और अब मैं ले करूँगी स्ट्रेन. तो गाइस, तेल जो है वो गर्म हो चुका है और यहाँ पे मैंने बारीक काटा है एक प्याज और एक छोटी सी हरी मिर्ची. और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा इसको फ्राई स्टर फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई कैप्सिकम और टमाटोज. लेकिन सबसे पहले हम पकाएंगे प्याज को. तो प्याज अभी हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है. अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम जिसको मैंने बारीक काटा था. और इसको भी हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है. शिमला मिर्च से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें. सो गाइस, ये पक चुका है शिमला मिर्च अच्छे से. अब मैं इसमें ऐड करूंगी बॉइल्ड मटर. यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्रीन पीस लिए हैं जिनको पहले थोड़ा सा बॉइल किया था मैंने. साथ ही में इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर. वेजेस जो है अच्छे से पक चुकी हैं. अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने मैगी जब नूडल्स बॉईल किए थे उसमें भी नमक डाला था. तो नमक हल्का ही. और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला. और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे. और साथ ही में इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए. बिल्कुल थोड़ा सा. सो गाइस, ये मसाला जो है पक के तैयार है. और अब हम इसमें डालेंगे ये मैगी नूडल्स. और इनको बहुत केयरफुली हमें मिक्स करना है ताकि ये ब्रेक ना हो. सो गाइस, नूडल्स मैगी नूडल्स बनके तैयार है. बहुत ही यमी अमेजिंग खुशबू आ रही है इसमें. अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग. सो गाइस,
गाइस माय वर्जन ऑफ हेल्दी मैगी इज रेडी एंड आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी. आप भी ट्राई करिए इसको घर में बनाना और शेयर करिए मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन. ये बहुत ही टेम्पटिंग मैगी मुझे कर रही है अट्रैक्ट अब खाने के लिए. तो मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक और नई वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.